हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैटर एंड सराउंडिंग के सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस केल्विन स्केल। यानी कि इस बार हमें किस में कन्वर्ट करना है, दैट इज केल्विन स्केल में हमें कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला पुट किया है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन पर फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या था, दैट इज केल्विन माइनस 273। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। इस बार हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया है तो इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना, 25 ना, थोड़ा अजीब दिख रहा है हमें, 25 है ना, 25 हमने पुट कर दिया। इज इक्वल्स टू केल्विन में हमें वैल्यू चाहिए, केल्विन को केल्विन रखने दिया, माइनस 273। अब ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केल्विन इज इक्वल्स टू 25 और प्लस कितना, 273। तो केल्विन में वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा दैट इज 298 केल्विन आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी में आ जाओ, है ना। बी क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगेन सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया हुआ आपका कितना, 373 केल्विन इज इक्वल्स टू कितना, केल्विन माइनस 273, है ना। तो केल्विन में हमें वैल्यू निकालना है, ये माइनस में इधर गया तो किस में हो जाएगा, डैट इज प्लस में हो जाएगा, सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, 373 और प्लस में लिख देंगे कितना, इससे हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस में कितना लिख देंगे, दैट इज 273 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केल्विन में हमें वैल्यू देखने को मिलेगा। तो केल्विन इक्वल्स टू 3, 3, 6, 7, 7, 14, 3 और 5, 6, है ना, 3, 2, 5 और 1, 6, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है।